पचास सरकार के कार्यकाल में हटाए गए 400 से अधिक चौकीदार और दफादार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर रांची सीएम आवास पहुंचे। बता दें कि ये ऐसे लोग हैं जो 4 साल तक सरकार में काम करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। पूरे मामले का जायजा लिया है संवाददाता अजय लाल ने। राजधानी रांची में एक तरफ जहां कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजाना सरकार को आभार व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन इसी राज्य में 450 चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से मंत्री हेमंत सोरेन का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। कुल 450 ऐसे चौकीदार दफादार हैं जो रघुवर दास सरकार में काम करते थे, फिर उन्हें हटा दिया गया। बाद की कहानी यह है कि मौजूदा सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि सरकार बनेगी तो चौकीदार दफादार को वापस उनके काम पर रखा जाएगा, लेकिन अब तक यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इस बीच विधानसभा में आश्वासन समिति ने 3 महीने के अंदर जिलों के डीसी को कहा था कि ये पत्र में देख लीजिए, इस पत्र में ये जो नया पत्र जारी हुआ उसके पहले विधानसभा का एक जो चप पत्र है वो विधानसभा में बैठक हुई थी 7 जनवरी 2022 को, जिसमें कहा गया था, रखिए, जिसमें कहा गया था कि चौकीदार समिति के विभिन्न बैठकों में हुए विचार विमर्श के बाद और अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिए गए कि इनको फिर से वापस रखा जाना है। 1 सितंबर 2022 को यानी कि इसी महीने जिलों के डीसी में एक पत्र निकाल दिया है जिसमें कहा गया है कि चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, मतलब नए सिरे से वैकेंसी। ऐसे में सवाल उठता है कि इन चेहरों का क्या होगा। हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि हम लोग सर्विस भी खोला गया है, पीएफ कटा गया है, हम लोग को अभी तक कमान दिया गया था, सर्विस भी खोला गया है, हर तरह के मैटर में सीपीएस खोला गया है, वेतन मिलता था और पिछले सरकार ने हम लोग को हटा दिया गया है। माननीय सरकार से हमने मांग करते हेमंत सोरेन जी से हम लोग को पुनः योगदान करने की कृपा करें। स्पीकर महोदय ने इसको कमेटी बनाया, कमेटी में सारा निर्णय लिया, उस पर भी अभी तक निर्णय का सरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, और इसी बीच में जो है 1 तारीख को सभी जिला उपायुक्त को निर्देशित कर रहा है कि सबका नियुक्ति निकाला जाए। नियुक्ति निकालने पर हम लोग कहाँ जाएंगे? नई नियुक्ति से कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि जो पहले से काम कर रहे थे चौकीदार दफादार, कई ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी की उम्र खत्म हो गई है, अब ये जाएंगे कहाँ? नई नियुक्ति में जो प्रावधान किया गया है कि मैट्रिक पढ़ना जरूरी है, लेकिन कई चौकीदार दफादार ऐसे थे जो 8वीं पास करके नौकरी में आ गए थे, इनका पीएफ कटा, सर्विस बुक भी बन गया था, कई अन्य योजनाओं का भी लाभ इन्हें मिल रहा था, लेकिन नए नियुक्ति में इन्हें जगह नहीं दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी आवाज़, इनकी मांग जरूर सुनेंगे। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।